Come with us for the post-match conference. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भी डेफिनेटली आप जब स्टार पहनते हो तो नर्वस तो होते हो, लेकिन ये सीरीज का मकसद ही ये था कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनको ये प्रेशर सिचुएशन दी जाए और डिफरेंट कंडीशन में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली नर्वसनेस थी। लेकिन जिस तरह के उन्होंने फाइट बैक किया है इन फील्डिंग में और बॉलिंग में वो आउटस्टैंडिंग थी। देखिए पिच तो डेफिनेटली डिफरेंट थी क्योंकि 38 ओवर में 200 रन हुए हैं, तो डेफिनेटली पिच तो डिफरेंट थी। लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको हर कंडीशन में खेलना आना चाहिए। जिस तरह आपने देखा भी होगा थोड़ा नर्वसनेस थी हाँ हमारे डेब्यूटेंट में, लेकिन ये सीरीज का मकसद ही यही था कि हम अपने यंगस्टर को जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है उसको मौका दिया जाए और प्रेशर सिचुएशन में खिलाया जाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में वो अच्छा, क्योंकि पहला मैच डेफिनेटली आपका थोड़ा नर्वसनेस होती है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में वो अच्छा खेले। मेरे ख्याल से सिर्फ फेम ने तो नहीं, मेरे ख्याल से पूरी टीम ने इतना अच्छा नहीं खेला जिसकी वजह से हम मैच हारे, लेकिन इंडिविजुअल की वजह से कोई मैच नहीं हारता। एज ए टीम हम जीतेंगे और एज ए टीम ही हम हारेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल की वजह से ऐसा कुछ हुआ। डेफिनेटली जिस तरह की स्पेशली इन कंडीशन में जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजर ना लगाए, बस ऐसी वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता रहे और इंशाल्लाह वो ब्राइट फ्यूचर हमें पीएसएल में नजर आ गया था, लेकिन आज वो जिस तरह इंटरनेशनल में भी उसने डेब्यू गेम में इस तरह का स्पेल किया तो आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट ये वैसे तो एक्सक्यूज नहीं है कि नई टीम है नए प्लेयर्स हैं, ये इंटरनेशनल टीम है इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि यंगस्टर खेले तो इस वजह से हार गया, लेकिन नया ऐसा कुछ नहीं करेंगे इन, क्योंकि ये जो सीरीज मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ के लिए थी, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो उनको बैक किया जाएगा। एक फेलियर से या एक सीरीज से कोई बुरा प्लेयर नहीं होता, हमें हमने टैलेंट देख लिया तो एज ए नेशन हमें थोड़ा सब्र भी करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर को बनाने में पूरी कौम का और टीम का बहुत अहम किरदार होता है स्पेशली मीडिया का, तो थोड़ा उनको बैक किया जाए मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। देखिए डाउट ही नहीं है उसमें, मैं हमेशा यंगस्टर को बैक करता आ रहा हूँ और जिस तरह का आपने टैलेंट देख लिया एक मैच से कोई अच्छा बुरा प्लेयर हो नहीं सकता, तो हमें एज ए नेशन मैंने जिस तरह पहले भी बोला एज ए नेशन हमें उनको बैक करना चाहिए। फेलियर आएंगे एज ए टीम भी एज ए इंडिविजुअल भी आते हैं, अगर आपको लगता है कि उस प्लेयर में या उस टीम में उस तरह का क्या कहते हैं जिस तरह हम अपने सैम ने या हारिस ने जिस तरह पीएसएल में भी खेला है परफॉर्म किया है तो आपको नजर तो आ गया वो टैलेंट, तो उसको बैक करना जरूरी है। एक फेलियर से या एक अच्छी इनिंग से हम स्टार नहीं बना सकते और एक फेलियर से हम उनको गिरा नहीं सकते, तो टैलेंट नजर आ गया और हम उनको बैक करते रहेंगे। विकेट तो देखिए शारजा का टॉस में तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि जिस तरह का एज यूजुअल शारजा के पिच होता है वैसी शक्ल नहीं थी, तो मुझे क्योंकि हम दो कोचेज और मैंने रीड नहीं कर क्योंकि रीड नहीं हो पा रहा था, तो मैं अपने यंगस्टर को ये चाह रहा था कि थोड़ा
वैसी प्रेशर सिचुएशन ना दीजिए, तभी मैंने बैट फर्स्ट किया था कि वो थोड़ी कम प्रेशर सिचुएशन में खेलें, ताकि वो, क्योंकि डेब्यू गेम में हमेशा आप स्ट्रगल करते हैं, तो वो नर्वसनेस थी भी सही। थैंक यू शलाल आंसर फ्रॉम न्यूज़ टाइम। हम लोग बहुत देर से यहाँ पे जो है क्रिकेट कवर भी करते हैं और बहुत सारा जो टैलेंट है वो डेब्यू होते भी देखते हैं। जो हमारा जो आज का टैलेंट जो था न्यू, जो आपने डेब्यू प्रोवाइड फॉर प्लेयर वो ठीक थे, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे उनका हमने भी देखा कुछ मिस्ट्री देखी उनके साथ, क्या उन्होंने परफॉर्म उस हिसाब से नहीं किया। शायद आप लोग परफॉर्म अच्छा साफ कर देते तो मैच इस तरह से बकरी छोटे आते ना होता। देखिए एवरी टीम, मैंने जिस तरह बोला कि हम इतना अच्छा नहीं खेले, सीनियर जूनियर इधर मुझे नहीं लगता कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो 11 टीम प्लेयर्स ही खेल रहे होते हैं, उसमें सीनियर जूनियर तो नहीं है, वही चीज़ खेल रहे हैं सभी। डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन एज ए टीम हम इतना अच्छा नहीं खेल पाए, तो इसमें तो अब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम अच्छा खेलेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है नहीं और इंडिविजुअल से आप जीत भी नहीं सकते, तो एज ए टीम हमें अच्छा खेलना पड़ेगा। मशवरे तो दिए होंगे और देते रहे, देंगे भी सही बाद में भी, जब प्लान बनते हैं हम कोशिश एज ए टीम वही कोशिश करते हैं कि एग्जीक्यूट होने चाहिए ग्राउंड में। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा जिस तरह के हमारे बॉलिंग यूनियन ने एफर्ट किया, फील्डर्स ने एफर्ट किया, यंग टीम से आप यही चाहते हैं, और उन्होंने शो किया और बैटिंग में हम इस तरह अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जिस तरह यंगस्टर पीएसएल में खेले हैं वो दोबारा शो करेंगे आपको इंटरनेशनल मैचेस में। थैंक यू भाई, आप तो बड़े गुस्से में थे। सॉरी, रोजे रोजे शैतान कह रहे हैं।